डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VHK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 10, जिसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं इतिहास के पाठ 1 से मोस्ट VVI प्रश्न। इस वीडियो में आप लोग को 53 यानी 53 प्रश्न आप लोग को भी बताने वाले हैं, यानी एक पार्ट से 53 क्वेश्चन। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं हैं और आप लोग को वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पहले आ चुका है या आने की पूरा पूरा संभावना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना आप लोग ना भूलिएगा। जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग स्टेटस भी लगा दीजिएगा। तो चलिए, आप लोग के लिए एक और ऑफर देते हैं आप लोग को। आप लोग इस नंबर पर अपना नाम, जिला का नाम, क्लास भेज दीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे। नहीं तो लिंक भी बना दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है आप लोग को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे फिर भी हम ज्वाइन कर देंगे। लड़का होंगे तो लड़का वाला ग्रुप में, लड़की होंगे तो लड़की वाला ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। हालांकि इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं। चलिए, हम लोग पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिए गए हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो देश है किस महादेश के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए भारत क्या है, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, तो उसे ही इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये यूरोप के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो पहला का सी हो गया यूरोप। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा दे रहा है आप लोग को, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापन वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापन वियना कांग्रेस द्वारा किया गया या वियना कांग्रेस करवाया, ठीक, तो ये किया गया था बुर्बो राजवंश का। बुर्बो राजवंश का संस्थापक मतलब पुनः स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो वियना कांग्रेस के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो दूसरा का सी हो गया। चलिए तीसरा देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मतलब मेजनी जो मतलब था ये किस संगठन से जुड़ा हुआ था, संबंध बताना है। तो ये था आप लोग को कार्बोनरी का, ये सदस्य था कार्बोनरी का, क्या था, सदस्य था या संगठन में मतलब उससे संबंधित था। कार्बोनरी के मतलब मेजनी क्या था, कार्बोनरी के सदस्य था, ठीक ना। ऐसे मेजनी को पूछेगा तो कार्बोनरी से ये संबंधित है या जुड़ा हुआ था, ठीक। चलिए चौथा देखिए, इटली एवं जर्मनी में एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। मतलब विरुद्ध, विरुद्ध मतलब इन लोगों के विपरीत है, मतलब उल्टा या इन लोगों से मुकाबला करने के लिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध कौन, क्या मतलब कौन चाहता था तो इटली और जर्मनी के एकीकरण न हो। तो ये था आप लोग को ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मतलब विरुद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। चौथा का आप लोग को सी हो गया। चलिए पाँचवा देखिए, पाँच नंबर दिए गए हैं, काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया। देखिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार आ गया है, बस इसको एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगी। तो देखिए, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा। काउंट काबर विक्टर इमैनुअल किस पद के लिए चुने गए थे, ये प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी पाँचवा का आप लोग को सी हो गया। छः नंबर प्रश्न देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, तो इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा। तो छठवा का डी हो गया। चलिए सात नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है आप लोग को, कह रहा है यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य, ये भी प्रश्न आप लोग को कई बार एग्जाम में दिया हुआ था, इसको याद रखिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य के निर्माण जो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो सातवां का बी हो गया। आठ नंबर देखिए, जलवेरिन कैसी संस्था है। तो जलवेरिन मतलब कैसी, मतलब किन लोगों का संस्था है। संस्था मतलब समझ रहे हैं, कमिटी एक कहिए, तो मतलब बहुत लोग मिल के बनाते हैं। तो मतलब क्या, कौन कौन से लोग, मतलब क्या लोग मतलब मिलते हैं, मतलब क्या करने वाला, क्रांतिकारी लोग कि व्यापारी लोग, विद्वानों का कि पादरी एवं सामंतों का। तो जलवेरिन जो संस्था है आप लोग को, ये है व्यापारियों का संस्था, व्यापारी लोग उसमें संस्था में बैठते थे, व्यापारी लोग मीटिंग वूटिंग करते थे, यानी जलवेरिन संस्था किन का है, तो व्यापारियों का। आप लोग इसके आंसर हो जाएगा बी। आठवां याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा है। नौ नंबर देखिए, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौ, रक्त एवं लौ की नीति जो का अवलंबन किया वो किए थे आप लोग को बिस्मार्क, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो नौ नंबर का सी हो गया। चलिए दस नंबर देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए ये सुपर डुपर क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो इसलिए देखिए आप लोग एक पार्ट से फिजिक्स ये मतलब देख लीजिएगा, बोले हिस्ट्री में
तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, 6 से 7 प्रश्न एक पार्ट से। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए, मेरे वीडियो से बाहर तो आ ही नहीं सकता, ये तो फिक्स है। तो इसी वीडियो में आप लोग को 6 से 7 नंबर का प्रश्न छुपा हुआ है, बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और आप लोग 6 से 7 नंबर आसानी से ला सकते हैं। चल देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आप लोग को 1871 में, तो जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। हालांकि ये आसानी से याद हो गया होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी 1871, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 का डी हो गया। 11 नंबर देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी आप लोग को 1821 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 11 का बी हो गया। 12 नंबर देखिए, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए ये भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आप लोग को दे चुका है और आगे भी आप लोग को देने वाला है। देखिए चर्चिस्ट आंदोलन जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में, ठीक ना, यानी 12 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 13 नंबर देखिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो कब बताना है, तो देखिए यूनान जो देश है ये कब मतलब स्वतंत्र हो गया था, कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग को 1832 में, इसलिए इसके आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, तो 13 का बी हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी के जो संगठन किया गया था मतलब स्थापना किया गया था, तो वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आप लोग को 1810 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, तो 14 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर कह रहा है एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानो पुल की संधि बताना है, तो एड्रियानो पुल की संधि जो हुई थी आप लोग को 1829 में हुई थी, इसलिए इसका जो आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 15 का बी हो गया। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? आप लोग देखिए एड्रियानो पुल की संधि जान गए, तो एड्रियानो पुल की जो संधि हुई थी आप लोग को 1829 में हुई थी, तो एड्रियानो पुल की मतलब जो संधि हुई थी किन किन मतलब दो देश के बीच में हुई थी, तो किन किन दो देश के बीच में संधि हुई थी? ये हुआ था रूस और तुर्की के बीच में, या तुर्की और रूस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए, तो 16 का ए हो गया। 17 नंबर देखिए, सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ, मतलब सेडाउन का जो युद्ध हुआ था किन लोगों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग को फ्रांस और प्रांसा के बीच में, जबकि आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, तो 17 का सी हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड विद्रोह कर रहा था, तो पोलैंड के विद्रोह को किसने मतलब कुचल दिया, या पोलैंड के विद्रोह को मतलब असफल बना दिया? तो ये बनाया था आप लोग को रूस, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए, तो 19 का आप लोग को ए हो गया। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? कहाँ मतलब बताना है, देखिए आप लोग को पता ही होगा, तब फ्रांस और प्रांसा जो युद्ध किया था 1870 में किया था, तो वो युद्ध कहाँ हुआ था, या किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो वो युद्ध हुआ था आप लोग को सेडाउन में, तो सेडाउन में कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा ए, सेडाउन के युद्ध भी कहा जाता है, या मतलब जो प्रांसा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था सेडाउन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया, तो 20 का ये हो गया। चलिए 21 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? मतलब यूरोपवासी, यूरोप के रहने वाले लोग जो हैं किसका मतलब कौन से देश के साहित्य पढ़कर उनके लिए ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा मिलता है, मतलब वो लोग आगे बढ़े यूरोपवासी, तो किस देश के मतलब साहित्य पढ़ के? तो वो देश है आप लोग को यूनान के साहित्य पढ़ के, जो कि यूनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया, तो 21 का बी हो गया। 22 नंबर देखिए, ईवा इटली संस्था का विकास किया, तो ईवा इटली या यंग इटली, आप लोग को ज़्यादातर यंग इटली आने वाला है एग्जाम में, याद रखिए यंग इटली आएगा, इस बात को आप लोग याद रखिए, यंग इटली का संस्था का विकास किसने किया या स्थापना किसने किया, यंग इटली याद रखिएगा, ठीक ना। तो यंग इटली का जो संस्थापक थे या मतलब जो विकास कराए थे या स्थापना किए थे, तो वो थे मेजनी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा, मेजनी मतलब इसके हेड थे, यानी 22 का ये हो गया यंग इटली या ईवा इटली, ठीक। चलिए 22 का ये हो गया। 23 देखते हैं, 23 नंबर कह रहा है बिस्मार्क निम्न में से था क्या था? तो आप लोग को बताना है बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क जो था आप लोग को कूटनीतिज्ञ था, मतलब ये नियम लगाने वाला था कूटनीतिज्ञ, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, तो 23 का डी हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर कह रहा है सर्डिनिया पिडमाउट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउट का मतलब जो शासक था वो कौन था? सर्डिनिया पिडमाउट का जो शासक था वो विक्टर इमैनुअल था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए, 24 का ए हो गया, विक्टर इमैनुअल। चलिए 25 नंबर देखिए, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन
ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था। देखिए ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में आता है। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन, जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे या मरा गए थे कहिए, तो वो कौन से कवि हैं? तो वो कवि हैं आप लोग को लॉर्ड बायरन, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए 25 का ए हो गया। चलिए यहाँ पर 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर पर कह रहा है आप लोग को जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी, राज का नाम बताना है। जलवेरिन की संस्था जो किस राज्य, मतलब संस्था जो जलवेरिन एक संस्था है व्यापारियों की, तो जलवेरिन जो मतलब ये स्थापना किया था मतलब कौन सा राज किया था, तो जलवेरिन की जो स्थापना या मतलब जो भी मतलब उसको बनाता है या विकास कराता है या उसको लाता है, तो उसकी स्थापना जो किए थे वो था आप लोग को परासा। जलवेरिन की जो स्थापना किया था परासा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो गया। तो 26 का ये हो गया। चलिए 27 नंबर, हंगरी की भाषा क्या है, तो हंगरी की भाषा क्या है, तो हंगरी की भाषा है मैग्यार, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। तो 27 का आप लोग को बी हुआ। हंगरी के मतलब राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और वहाँ का भाषा क्या है, तो मैग्यार है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा 27 का बी, इसको याद रखिएगा। चलिए हालांकि राजधानी भी देता है हंगरी का, इसको भी याद रखिएगा, राजधानी है बुडापेस्ट। 28 नंबर देखिए कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें हारा कौन था, मतलब हार कौन गया था, तो ये तुर्की हार गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। चलिए 29 नंबर देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, मारियान मतलब एक औरत थी, वो किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, तो प्रतीक थी मारियान जो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की, मारियान क्या थी, फ्रांस की प्रतीक थी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। तो 29 का ये हो गया। 30 नंबर देखिए कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, देखिए ये रहा आप लोग को एग्जाम में एकदम सटीक आने वाला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता के पालना किसे कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता के पालना कहा जाता है आप लोग को यूनान को। यूनान क्या था, यूरोपीय सभ्यता का पालना मतलब ये पालना यही था, जो था यही था, यूनान ही था यूरोप में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो 30 का आप लोग को डी हो गया। चलिए हम लोग 31 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई, एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक ये जो ये पारित किया गया था तो कब किया गया था, तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था आप लोग 1688 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 31 का ए हो गया। चलिए 32 नंबर यहाँ पे देखिए, 32 नंबर कह रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, पहले तो ये इस बात को याद रखिए, पहले इतना आसान क्वेश्चन देता है एग्जाम में, कहेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1789 में, बस यही एक क्वेश्चन आप लोग को इससे फिक्स है कि ये प्रश्न आने वाला है। आप लोग को दो शिफ्ट में एग्जाम होती है और एक शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न आने वाला है, यानी दोनों मिलाकर आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि 12 से 14 क्वेश्चन, यानी मान लीजिए लगभग लगभग 14 क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो से केवल आएगा, आप लोग गारंटी के साथ जान लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन आए हैं आप लोग को सटीक एग्जाम से टच कराने वाला ही लाए हैं। तो देखिए चलिए हम लोग 35 नंबर बताते हैं, दिए गए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के राजवंश का शासन था, मतलब 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो वहाँ का राजवंश का शासक कौन था, मतलब राजा वहाँ का कौन था, तो राजा था आप लोग को बुर्बो राजवंश का, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी, यानी 32 का सी हो गया। चलिए यहाँ पर 33 देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था आप लोग को 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ या मतलब चालू किया गया था या नेपोलियन संहिता लाया गया था, तो 1804 में हो गया। 33 का आप लोग को डी हो गया। देख क्वेश्चन किस टाइप का देता है हम सब चीज़ बता देते हैं, तो आप लोग अच्छे से जानकारी करके चलिए, ठीक। चलिए 34 नंबर देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, आप लोग देखिए हालांकि ये एग्जाम में नहीं देता है लेकिन फिर भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को बहुत अच्छा खासा ये इसकी वैल्यू भी हो सकती है इस साल। चलिए देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण कराने था, बिस्मार्क का योगदान भी बहुत ज़्यादा था, तो ये कितना युद्ध किया, मतलब कितना युद्ध लड़ा, तो ये लड़ा था आप लोग को 3 युद्ध किया था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी। तो 34 का सी हो गया। चलिए 35 नंबर देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, वियना कांग्रेस में राष्ट्र सम्मिलित नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, तो ये है आप लोग को वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को जर्मनी, वियना राष्ट्र में जो था जर्मनी नहीं शामिल था, इसलिए इसका आंसर जो हो गया आप लोग को डी। 35 का डी हो गया। 36 देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, पवित्र संघ की योजना बताना है, तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो किया था तो ये रूस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। तो 36 का ये हो गया। चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर यहाँ पे दिया गया आप लोग को यंग इटली, देखिए यंग इटली या ईवा इटली, चलिए
तो आप लोग के संस्थापक कौन है? तो यंग इटली के संस्थापक हैं आप लोग को मेजनी, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि ये भी बताए भी हैं यंग इटली या ईवा इटली। ठीक, चलिए 37 के आप लोग को सी हो गया। 38 देखिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूंगा। देखिए वो क्या था, फ्रांस के जो राजा था वो मतलब अंग्रेजों को, जो इंग्लैंड के रहने वाला था, अंग्रेज को बहुत ही बेकार मानता था। अंग्रेज को बेकार मानता था तो उन लोगों को देखते हुए कहा ना कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने से अच्छा है लकड़ी काटना। मतलब वो बोला, मान लीजिए जिस तरह से अंग्रेज राज करते हैं उन लोगों से तो अच्छा है लकड़ी काटना। तो ये कौन कहा था? ये कहा था आप लोग को 410वां, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का डी, 38 का डी हो गया। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। चलिए देखिए 39 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है, प्रासा का शासक कौन था? तो प्रासा का शासक था विलियम प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 39 का आप लोग को डी हो गया। 40 नंबर देखिए, यूरोप के मरीज। देखिए ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, आप लोग को मैट्रिक में दो शिफ्टों में एग्जाम होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, मैंने प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो एक ये क्वेश्चन फिक्स है, या तो फर्स्ट में आ जाए नहीं तो सेकंड में। आप लोग को ये जान लीजिए 100% हम लीक कर देते हैं ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप लोग फर्स्ट शिफ्ट में आएगा नहीं तो सेकंड में आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। इस बात को याद रखिए। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा सी, यानी 40 का आप लोग को सी हो गया। चलिए तुर्की को कहा जाता है आप लोग। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर कह रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन जो जर्मनी में वो संघ था आप लोग को राइन संघ, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 41 का सी देखिए, नेपोलियन जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सी, 41 का सी हो गया। 42 देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का स्थापना हुआ? मतलब यूनान को स्वतंत्र किया गया, मतलब कौन सा संधि किया गया ऐसा, तो यूनान स्वतंत्र कहा गया और मतलब स्वतंत्र यूनान के स्थापना भी कर दिया गया। तो ये संधि हुई थी एड्रियानोपुल की संधि, इस बात को याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि 1807 में हुआ था। ठीक, चलिए 43 देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, कह रहा है यंग यूरोप, यहाँ ध्यान दीजिए, यंग यूरोप, यंग इटली नहीं है, इस बात को याद रखिए, यंग इटली नहीं कर रहे हैं, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप का स्थापना किए थे आप लोग को मेजनी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि यंग इटली का भी स्थापना किए थे, तो यंग इटली नहीं पूछे हैं। हालांकि आप लोग ये याद रखिए, यंग इटली कहेगा फिर भी आप लोग को आंसर मेजनी ही होगा, यंग यूरोप कहेगा फिर भी आंसर आप लोग को मेजनी होगा। दो प्रश्न है लेकिन दोनों का स्थापना किए थे मेजनी ने ही, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 43 का बी हो गया। 44 देखिए, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था आप लोग को, ये हुआ था आप लोग इटली में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 44 का ए हो गया। चलिए, हालांकि ये एग्जाम में उतना देता नहीं है, हालांकि ये देखिए अच्छा से देता है। मेटर्निक कौन था? तो मेटर्निक था ऑस्ट्रिया के चांसलर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निक कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है और आप लोग आने का भी संभावना है, तो इसको याद रखिएगा, मेटर्निक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए आप लोग 46 नंबर देखिए, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना के मतलब हुआ था वो किस वर्ष में? तो ये किया गया था आप लोग को 1810 में, इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 46 का ये हो गया। 47 देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखिए 1830 की क्रांति जो हुआ था फ्रांस में, तो वो फ्रांस में मतलब किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, मतलब कौन सा शासन आया? तो ये आप लोगों को निरंकुश राजतंत्र ला दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। 47 का आप लोग को ये हो गया। चलिए 48 देखिए, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया जिसने किया? लाल कुर्ती है, तो लाल कुर्ती नामक संस्था है आप लोग को, तो लाल कुर्ती का जो स्थापना किए थे ये गैरिबाल्डी किए थे, ठीक ना, इसको याद रखिए। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती कहेगा, तो ये लाल कुर्ती नामक संस्था बनाया था, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा। रेड शर्ट भी कहा जाता है इसको, रेड शर्ट कहा जाता है, यानी रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती भी कहा जाता है। रेड शर्ट की स्थापना किए थे ये कौन आप लोग को? गैरिबाल्डी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 48 का डी हो गया। 49 देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे अपने द्वारा या टीचर के द्वारा, टीचर द्वारा पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, टीचर के द्वारा ही पढ़िएगा, अपने से पढ़िएगा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये इतिहास है बाबू, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक ना। देखिए आप लोग अगर अच्छा नहीं लगता इतिहास तो कोई मिठाई तो है नहीं, तो अच्छा ही लग जाएगा, नहीं लग रहा है टीचर का सहारा लीजिए, आप लोग बोलिए कि टीचर आप लोग को इतिहास पढ़ाएं समझाएं, क्योंकि इतिहास समझाने वाला चीज़ है, बताने वाला चीज़ है, रटने वाला चीज़ नहीं है। रटेंगे तो क्या होगा, उसको याद करके क्या समझ लेंगे, मतलब इतिहास में हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ था,
लगता है। चलिए, राष्ट्रवाद जो अवधारणा है वो जन्म किस घटना से, मतलब क्या हुआ था तो राष्ट्रवाद का अवधारणा जागृत हुआ या जाग गया, ये हुआ था आप लोग को पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल भी कहा जाएगा, पुनर्जागरण काल के बाद ही आप लोग को राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, यानी ऑप्शन अब आप लोग को हो जाएगा ए। तो ये भी क्वेश्चन सुपर डुपर है आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको याद रखिएगा सुपर है ना, हालांकि सुपर से भी ऊपर आप मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का रक्त एवं लौ की नीति, देखिए ये प्रश्न हालांकि दोहरा दिए हैं रक्त एवं लौ, तो रक्त एवं लौ की जो नीति अपनाया था वो बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, तो 50 का ए हो गया। 51 देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ, देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हो गया था, तो युद्ध था आप लोग को सेडान की युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी, 51 का डी हो गया। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर कह रहा है आप लोग को किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण हुआ, जर्मनी के एकीकरण हुआ था तो किस संधि द्वारा, तो ये हुआ था आप लोग को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही जर्मनी के एकीकरण किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया 52 का। चलिए 53 नंबर देखिए, 53 नंबर देखने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोग को एग्जाम तक जितना हो सके उतना हेल्प कर सके, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग देखते हैं, और हाँ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं की तैयारी करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, और आप लोग स्टेटस भी लगा दीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी ले सके, ठीक ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है 53 का शासक कौन था, फ्रांस कहिए या शासक कहिए या राजा कहिए, तो वो था नेपोलियन तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी 53 का आप लोग को बी हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।